दिस इज वेरिएबल नंबर 12 डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स हियर द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू log ऑफ दिस वन। अब यहाँ log का कल भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, वेरी सिंपल, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस। ओके, यहाँ जो है वो पावर सामने आके 2/3 log ऑफ दिस हो जाएगा, प्लस कराकर यहाँ पे 3x सामने आ जाएगा और यहाँ ये पावर है 1/3, तो माइनस दिस इज 1/3 log ऑफ दिस वन। तो देखो ये पावर 1/3 लिखकर दिखा दिए, फिर ये log ऑफ न्यूमरेटर, उन्होंने एक स्टेप को ज्यादा लिखा, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। सो वापस न्यूमरेटर में यहाँ या इनटू है ना, तो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस। यहाँ अब ये 3x आएगा सामने, तो 3x इनटू log e बन जाएगा और log e की वैल्यू 1 बनती है, इसलिए यहाँ पर log e आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि log e का 1 बन चुका है इनटू में, प्लस ये 2/3 सामने आ जाएगा, माइनस ये 1/3 सामने आ जाएगा और इस तरीके से ये आपका आंसर, ये log के बाद का कन्वर्शन ऐसा हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 × dy/dx ऑफ x प्लस 2/3 × dy/dx ऑफ log ऑफ माइनस 1/3 × dy/dx ऑफ log ऑफ। और इस तरीके से आप देखेंगे कि x का x में 1 हो जाएगा, यहाँ 2/3 जैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ का आएगा 1/f(x)·dy/dx ऑफ दैट f ऑफ माइनस 1/3 जैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन log f ऑफ का आएगा 1/f(x)·dy/dx ऑफ दैट f ऑफ। और फिर ये रहा आपका आंसर, वापस से dy/dx इसका बनेगा 3x का 3, 4 का 0, ओके इसका 2x का 2, 5 का 0, 0 वो लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ओके ये रहा आपका आंसर। ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, y इज इक्वल टू log ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन, वेरी सिंपल, रूट के अंदर क्वांटिटी है, यहाँ तो सीधा सीधा 1 − cos = होता है 2 sin² ∠ 1/2, 1 + cos² √2 cos² ∠ 1/2, इसकी हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ये एंगल की हाफ ले लिया, रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये टेन स्क्वायर है ना अंदर के अंदर, क्योंकि एंगल सेम है तो टेन स्क्वायर बन जाएगा, बाहर निकल के टेन ऑफ हो जाएगा। एंड नाउ दिस बिकम्स log ऑफ f ऑफ, log f ऑफ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/f ऑफ, log के सामने ये वाला बना f ऑफ है ना, तो 1/f ऑफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट f ऑफ। नाउ दिस बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ tan f ऑफ, तो tan f ऑफ का क्या बनेगा, sec² ऑफ f ऑफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट f ऑफ। ओके और इस तरीके से चेन रूल अरेंज करते जाएंगे, दिस अगेन के x की तरह इसका आंसर आएगा 3/4 विद रिस्पेक्ट टू x है ना, ये रहा आपका आंसर। ओके नाउ सी अनदर क्वेश्चन हियर, y इज इक्वल टू log ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस। ऐसे क्वेश्चन बाद में भी आपको देखने को मिलेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर में, तो क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लो, दिस माइनस दिस का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, दिस प्लस दिस। ओके सो देखो अंदर के अंदर log ऑफ ब्रैकेट के अंदर, log के अंदर के क्वांटिटी में ही फ्रैक्शन जो था ये जैसे का वैसा, इनटू इसका कॉन्जुगेट यहाँ ले लिया तो ऊपर में एडजस्ट कर लिया। नाउ दिस बिकम्स ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ से रूट चले जाएगा और माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ओके और ये बनेगा ब्रैकेट का होल स्क्वेयर, रिपीट आ जाएगा ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर विल बी क्या आंसर, ठीक बनेगा log ऑफ दिस वन। नाउ अब log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो प्योर कॉन्स्टेंट बन चुका है ना, तो यहाँ x है और ना ही y है, लेकिन यहाँ ये वेरिएबल है, ये पावर है तो ये पावर जाएगा सामने, इस तरीके से 2 log ऑफ ये पावर सामने आ गया, ये बोलिए आप पावर सामने डालो या मत ना डालो, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा रे, ये डेरिवेटिव ऑफ y में 2 × ये बनेगा log f ऑफ, log f ऑफ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/f ऑफ ये वाला f ऑफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला f ऑफ माइनस इसका d/dx बनेगा 0, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट है।
सो यहाँ से ये बनेगा फिर डी बाई डी एक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। देखो ध्यान रखो डेरिवेटिव ऑफ ये यहाँ पे उन्होंने अलग से लेकर दिखाए डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा। तो इसमें जब डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा तो फिर से क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ। तो फिर रूट एफ ऑफ का क्या बनेगा, अगेन 1/2 √f(ϵ) डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ अंदर का, ओके, प्लस ये एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड ये होल ब्रैकेट बाहर का कंप्लीट। नाउ 2/2 ये वाला 2 है ना, ये 2/2 ये ब्रैकेट यहां। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका तो मतलब ही नहीं क्योंकि इसके सामने डी बाई डी एक्स नहीं है, ये तो अलग से है 1, तो 0 लिखा नहीं गया, तो इसका आएगा 2x लिखा बाजू का प्लस 1 जैसे का वैसा। अब ये इंटू टू वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स के ये x यहाँ आ जाएगा एंड देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस ये रूट 1 को इंटू हो जाएगा ऊपर में और नीचे में होल डिवाइड बाय ये रूट ऑफ, जब ये 2 कैंसिल हो जाएगा उसके बाद की स्टेप, ओके। फिर देखेंगे ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो गया, दिस विल बी कैंसिल, देन आंसर आएगा 2/√x² + a² ओके। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।